जीत। एक बार एक किसान का घोड़ा बीमार हो गया। उसने उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घोड़े का अच्छे से मुआयना किया और बोला, आपके घोड़े को काफी गंभीर बीमारी है। हम 3 दिन तक इसे दवाई देकर देखते हैं। अगर यह ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है। यह सब बातें पास में खड़ा एक बकरा भी सुन रहा था। अगले दिन डॉक्टर आया, उसने घोड़े को दवाई दी, चला गया। उसके जाने के बाद बकरा घोड़े के पास गया और बोला, उठो दोस्त, हिम्मत करो, नहीं तो यह तुम्हें मार देंगे। दूसरे दिन डॉक्टर फिर आया और दवाई देकर चला गया। बकरा फिर घोड़े के पास आया और बोला, दोस्त, तुम्हें उठना ही होगा, हिम्मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो उठो। तीसरे दिन जब डॉक्टर आया तो किसान से बोला, मुझे अफसोस है कि हमें इसे मारना होगा, क्योंकि कोई भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। जब वो वहाँ से गए तो बकरा घोड़े के पास फिर आया और बोला, देखो दोस्त, तुम्हारे लिए अब करो या मरो वाली स्थिति बन गई है। अगर तुम आज भी नहीं उठे तो कल तुम मर जाओगे, इसीलिए हिम्मत करो। हाँ, बहुत अच्छे, थोड़ा सा और तुम कर सकते हो, शाबाश, अब भाग कर देखो, तेज और तेज। इतने में किसान वापस आया तो उसने देखा कि उसका घोड़ा भाग रहा है। वो खुशी से झूम उठा और सब घर वालों को इकट्ठा करके चिल्लाने लगा, चमत्कार हो गया, मेरा घोड़ा ठीक हो गया, हमें जश्न मनाना चाहिए, आज बकरे की बिरयानी खाएंगे। शिक्षा, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को कभी नहीं पता होता कि कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है। जो काम कर रहा होता है उसी का ही काम तमाम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।